और ये अच्छा शॉट 10 रन 1 रन के लिए। यहाँ बाजी वाले टर्फ में कैच टूटते हुए और ये लगा है पहला छक्का। इसी के साथ मंदर कप का पहला शीश लगते हुए और ये वाइड गेंद का इशारा भाई। और ये अच्छी फील्डिंग कुशल भाई की, लगता है थोड़े इंजर्ड होते हुए। हमारे केटर से निवेदन है दोनों टर्च के बाद दो दो पानी के जार की व्यवस्था की जाए जल्द से जल्द। निर्मल सुपर किंग्स और मरुदर 11 के कैप्टन टॉस के लिए टर्फ 2 के पास संपर्क करें। और यहां आता हुआ हमारा मेट्रो ग्रुप चौका विक्रांत दंडेशा जो कि काफी जाने माने बॉलर है। और ये स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड खेला हुआ 1 रन तक है हमारे लेग अंपायर की भूमिका में देवान भाई, काफी एक्सपीरियंस अंपायर है। और ये अच्छा शॉट पहले के बीच से निकलते हुए 1 रन हो गया, मिस फील्डिंग हुई। यहाँ 2 रन हो सकते थे, हेमंत भाई ने मना किया। हेमंत भाई बोलते मैं 6 फोर ही मारूंगा, सिंगल डबल में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। और ये आगे बढ़कर देने की कोशिश थी, 1 रन वापस मिस हुई। आरआर को मिस फील्डिंग की थोड़ी जान देनी पड़ेगी। और ये नो बॉल का इशारा, नो बॉल यानी अतिरिक्त गेंद। और यहाँ फ्री आते हुए और ये अच्छा शॉट 1 रन के लिए। हेमंत भाई काफी सूझबूझ वाली गेंद खेलते हुए। और ये विकेट आते हुए हमारे विकेट के स्पॉन्सर है मेट्रो ग्रुप विकेट, फील्डर नेम राज राजू भाई। आ रहा है कोई अतिरिक्त प्लेयर प्लीज स्कोरर के पास भेज दे। और ये वाइड विंग का इशारा अंपायर का। और ये अच्छा कड़क शॉट था, अच्छा बैट पे लिया बल्लेबाज ने 1 रन के लिए। और ये अच्छा शॉट एक और हेमंत भाई का, काफी अच्छा गेम सेंस हेमंत भाई का, सिंगल डबल कन्वर्ट कर रहे हैं अच्छे से। और बाजू वाले टर्फ पे भी गिरता हुआ 1 मीटर के, यहाँ अंपायर का इशारा नो बॉल का। अंपायर डिसीजन फाइनल डिसीजन है, प्लीज अंपायर से कोई बहसबाजी ना करे। और ये फ्री हिट है और ये तेज तर्रार, ये गोली बंदूक में से जैसे गोली निकलती है उसी तरह गेंद निकली है हेमंत भाई के बल्ले से। और ये देखिए 1 रन चुरा लिया, काफी चतुराई वाला गेंद है हेमंत भाई का। दो रन बाकी लिया,
एक ही रन है क्योंकि हेमंत भाई को लग गया अंदर थ्रो। दो ओवर 26 रन, काफी अच्छा स्कोर है। यहाँ डीजे के कितने सपोर्टर बैठे, एक बार डीजे के सपोर्टर आवाज करें। और आरआर के सपोर्टर थोड़े ही है। और ये जिग्नेश भाई काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज बल्लेबाज है। जिस तरह हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड ने पारी खेली थी कुछ दिनों पहले, उसी तरह हेमंत भाई खेल रहे हैं अभी। आते ही उन्होंने 6-4 की बारिश कर दी है। और ये एक और अच्छा शॉट बाबा भाई की मिस फील्डिंग में। और यहाँ एजे काफी सेंसिबल खेलते हुए हेमंत भाई को स्ट्राइक देते हुए ताकि वो ज्यादा स्ट्राइक लेकर ज्यादा स्कोर कन्वर्ट कर सके। और ये अच्छा शॉट, और ये एक और मिस फील्ड। अनिल भाई इस तरह कैच छोड़ोगे तो कब भी छूट जाएगा। और ये अच्छा, और यहाँ ये रन आउट हो सकता था। ओवर होते हुए तीन ओवर 38 रन। कितना हुआ स्कोर हार्दिक? 38। कुशल अंपायर 15 मिनट का समय है, जान दीजिएगा। 15 मिनट में इनिंग पूरी करनी है। और ये एक बार अच्छा शॉट स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, अब एजी ने भी हाथ खोल दिए है। एक रन, कुशल भाई काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है। और ये देखिए दो रन, काफी खराब फील्डिंग। और ये एक अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग, काफी देर बाद आरआर की तरफ से अच्छी फील्डिंग देखने मिली है। और ये अच्छा शॉट, ये देखना है कुशल भाई, एक रन। नीतीश भाई आप अनिल भाई की फील्डिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे? और ये सेंसिबल स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड देते हुए वहां प्लेयर गिरते हुए एक रन। और वहां पर काफी अच्छा कैच पकड़ते हुए मेट्रो विकेट। और ये यहां देखिए, यहां पर आते हुए 6 रन, हर ओवर में 1-6 लगा रहे हैं हेमंत भाई। मानो जैसे कि उनके शरीर में ट्रेविस हेड आ चुके हैं, अब वो किसी गेंदबाज को नहीं छोड़ेंगे। गेंद उन्हें फुटबॉल की तरह दिख रही है। और ये एक काफी अच्छी बल्लेबाजी हेमंत की, जिन्हें भी हेमंत भाई की बल्लेबाजी पसंद है, एक बार जोरदार ताली हेमंत भाई के लिए। और दो ओवर है ना, एक ही ओवर है, बाकी ओवर है।
ओवर 61 रन। आखिरी ओवर देखना है, आखिरी ओवर में कितने रन बनेंगे। ये पहली गेम सिंगल आते हुए देखना है, डबल कन्वर्ट करते हैं जिस हिसाब से बल्लेबाजी ने गई, दो रन आराम से पूरे हो चुके, तीसरे के लिए क्या बल्लेबाज निकल चुके हैं। ये देखिए काफी कड़ा फील्डिंग, कोई बैकअप नहीं, 64 एक बॉल, चार ओवर एक बॉल 64 रन। आरा टेंशन ना ले, पहला मैच है, टीम कोऑर्डिनेशन आने में टाइम लगेगा। और ये हवा में खेला हुआ शॉट, एक रन हो गया। ये देखिए यहाँ दो रन, देखता है अंपायर का इशारा, नॉट आउट, दो रन पूरे कर चुके थे। काफी एक्सपीरियंस बल्लेबाज है इमरान भाई। और ये देखिए अच्छा फील्डिंग दिनेश भाई, आखिर में आ रहा अच्छी फील्डिंग का मुजहरा पेश करते हुए। अनिल भाई काफी खुश होते हुए, और ये मेडल देखना था मुझे अनिल भाई और हार्दिक भाई। और ये अच्छा शॉट स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, एक रन हो चुका है कंप्लीट। और ये देखिए यहाँ दो रन आसानी से, काफी खराब फील्डिंग कहते हैं ना कमेंटेटर गर्ल्स। निर्मल सुपर किंग्स और मरुधर इलेवन टॉप टू, ये इनिंग के ये ओवर की इनिंग के बाद दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए टॉप टू में आ जाए। और ये अच्छा शॉट स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, एक रन के लिए एक रन पूरा चुका। ये देखिए एजे भाई बातों ही बातों में दो रन चुरा रहे। आखिरी गेम देखते हैं हार्दिक भाई कितना कैपिटलाइज कर पाएंगे इस गेम पर। और ये काफी अच्छा प्रेडिक्शन है अंकल का, अच्छे बैटिंग डीजे वॉरियर्स की। मरुधर के कप्तान प्लीज जल्द से जल्द आइए टॉस के लिए, टॉस के बॉस जो हमारा टॉस होगा उसके बॉस, उसके स्पॉन्सर राजकमल, राजकमल एथेनिक स्टूडियो भाई। और हमारे बीच दोनों टीम के कप्तान आते हुए टॉस हमारे आकाश भाई और राजकमल, और मरुधर ने राजकमल इज द कॉल, एसएनसीसी इज द, और निर्मल ने टॉस जीतकर यहाँ का फैसला लिया गेंदबाजी का। इस मैच के बाद जल्द से जल्द निर्मल सुपर किंग्स अपनी फील्डिंग लगा ले। कौन कौन
मोहित भाई टॉप टू का अपडेट है निर्मल सुपर किंग वन द टॉस एंड गेट द टू गोल्ड फर्स्ट ओके थैंक यू भाई टॉप वन द टॉस के लिए मोहित भाई मास्टर 11 टीम मास्टर 11 और राइजिंग स्टार दुबई टीम के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करता हूं टॉप नंबर 1 के बाहर हमारे एंकर है भाभी उनसे मिलिए टॉस करने के लिए हमारा ग्राउंड का स्टाफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूं एक बार वॉशरूम चेक कर लीजिएगा हेलो बल्लेबाज आ चुके जल्द से जल्द मैच शुरुआत करें अंपायर अंपायर समय का दान दीजिए हमारे ग्राउंड स्टाफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूं एक बार वॉशरूम चेक कर लीजिएगा कभी जी टॉस हो चुका है क्या इसके बाद की मैच का टफ नंबर 1 पे टफ नंबर 1 का टॉस हुआ था मोहित भाई वो टफ नंबर 2 का नहीं था मरुदर और निर्मल सुपर किंग्स का ओके तो अभी कौन सा बाकी है टीम निर्मल सुपर किंग का बाकी है ना टॉस निर्मल सुपर किंग का हो गया है उन्होंने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है ओके टफ टू पर मास्टर्स वर्सेस राइजिंग स्टार दुबई टीम के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करता हूं टर्न के बाहर आ जाइए टॉस करने के लिए टीम मास्टर और राइजिंग स्टार हमारे डेकोरेशन टीम से जो यहां पर अवेलेबल है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप स्टेज के यहां पर आ जाइए हमारे अध्यक्ष साहब है वहां पर आपके लिए रुके हैं श्रीमान हमारे गोपाल जी आपके लिए यहाँ पर रुके हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे हाँ डेकोरेशन टीम से जो भी यहाँ पर आपसे थैंक यू सभी से निवेदन है कृपया करके कुर्सी की व्यवस्था की गई है आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं मैं टॉस यहाँ पर कर रहा हूँ भाभी जी ओके सर हमारे टॉस के बॉस के स्पॉन्सर मोकाई लेकर यहाँ पर हमारे बीच यहाँ आ चुके हैं यस थैंक यू सर यहाँ हमारे टॉस के बॉस के स्पॉन्सर राजकमल एथलेटिक्स स्टूडियो यस राजकमल एथेनिक स्टूडियो यहाँ पर टॉस के बॉस के हमारे स्पॉन्सर उनके से वहां से टॉस होने जा रहे हैं आकाश जी हमारे बीच यहाँ पर और राजकमल का ब्रांडिंग है एक साइड पर और दूसरी साइड जो है वो MPL हाँ ट्रिपल M ओके सभी से निवेदन है MPL भी बोलेंगे तो चलेगा MPL और राजकमल चलिए आकाश जी यहाँ पर से सिक्का उछिया है देखना होगा राजकमल कौन आया है और आ चुका है MPL यानी टीम राइजिंग स्टार यहां पर से टॉस जीतकर पहले बॉलिंग इंडिया फर्स्ट चलिए और ये यहां विकेट जीते हुए मेंटेन के अच्छी बल्लेबाजी के बाद अच्छी गेंदबाजी का भी मुजाहरा पेश करते हैं हेमंत भाई मैन ऑफ द मैच के काफी तगड़े दावेदार बन चुके हैं हेमंत भाई अब काफी बड़ा विकेट था जिग्नेश भाई का और ये देखिए बल्लेबाज को समझ ही नहीं आई गेंद किस ओर चली खेलना चाहते थे कहां और गई कहां मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे ग्राउंड स्टाफ से जो हमारे टर्फ के स्टाफ है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं एक बार वॉशरूम चेक कीजिएगा थोड़ी सी कंप्लेन है जरा चेक कीजिएगा परेश जी हमारे डेकोरेशन स्टाफ से परेश जी हमारे अध्यक्ष साहब हमारे साथ यहाँ पर खड़े पोपटलाल जी आपको बुला रहे यस परेश जी MPL सारे कमेटी मेंबर्स आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारी बड़ी कमेटी सलाहकार वाली जो हमारी कमेटी है उनका भी हम दिल से यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं श्री मरुधर जैन मित्र मंडल मलाड ईस्ट द्वारा आयोजित सम्मेलन
2024 आयुर्वेद सभी हमारे महानुभव का दिल की गहराइयों से हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। गौकार सिंह यहाँ पर 10 मिनट में काउंटर बंद हो जाएगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिसको भी अभी भी नौकर से करना बाकी है हाँ वो नौकर से कर लीजिएगा। जिस तरह की इनिंग हेमंत भाई ने खेली थी उसी तरह की अनिल भाई को भी खेलनी होगी। और ये अच्छा शॉट स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड और ये चार रन जो गलतियां आरआर ने की है वो डीजे वॉरियर्स दोहराते हुए। भाभी जी नौकरशी में थे फाफड़ा अनिल भाई आबड़ा बराबर एक बॉलीवुड के संजय दत्त और एक हमारे मधुधर के बाबा दोनों की हाइट बॉडी में कनेक्शन देख लीजिए। कमाल धमाल का ये शॉट है, कमाल धमाल का ये खिलाड़ी है। ये शॉट को ये नाश्ते में फाफड़े का कमाल है। अमेजिंग सुपर फैबुलस फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश वहां पर बाहरी किनारा कीपर का कोई सहारा नहीं एक रन आसानी से मिलता हुआ। फिटनेस देख लीजिए सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया यहां पर दोनों ही फील्डर बहुत बढ़िया उनके फिटनेस का राज मुझे पता है। और ये अच्छा शॉट और ये कैच आउट और ये विकेट जीते हुए यहां अगले बल्लेबाज हितेश पर चलिए एक बार जोरदार हितेश 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 एक बार आरआर के सपोर्टर आरआर के लिए आवाज करेंगे। हमारे डीजे के सपोर्टर भी कम है क्या? आवाज है यहाँ पर स्कोर बता दीजिएगा एक बार भाभी जी। एक ओवर 19 रन दो विकेट तीन ओवर बारह गेंदे 69 रन विशाल अंपायर वेट दोनों टीम के अतिरिक्त प्लेयर आ जाए यहां स्कोरर के पास प्लीज अपने अपना अतिरिक्त स्कोरर के पास भेजिए। विक्रांत और शुभम 5 गेंदों में 3 रन बनाए यहाँ पर विक्रांत ने और उनका साथ देते हुए 5 गेंदों में 2 गेंदों में 2 रन बनाए शुभम सिंगल डबल कन्वर्ट कर रहे लेकिन बड़े शॉट की आवश्यकता है। वाइड का इशारा करेगा 6 गेंदों में 20 रन की आवश्यकता है इस मैच को अपने नाम करने के लिए। टीम स्टार्ट चालू गेम में ना आए कोई भी प्लेयर अंदर ना आए नो बॉल का इशारा अंपायर का बॉलर नेम
और ये अच्छा तगड़ा शॉट, एक रन भी मिलता है मुझे। और ये अच्छा हमें के लगा शॉट, और ये अच्छी के ये आता वो मेट्रो के। विकेट पे क्रॉस नहीं है, नियमों में बदलाव हो चुका है अनिल भाई। और यहाँ स्ट्रेट आउट द ग्राउंड, और एक कैच आते ही एक बार झटका, इसी के साथ बॉलर हैट्रिक पर। और विकेट के स्पॉन्सर मेट्रो, हम उनको याद करते हुए इसी विकेट के साथ। अगर इस टूर्नामेंट में कोई मोहित भाई हैट्रिक लेगा गेंदबाज, तो उन्हें अनिल भाई की तरफ से 1111 रुपए का इनाम है। चलिए कैश प्राइज आ चुका है 1111, हैट्रिक लेने पर प्लेयर को मिलने वाले हैं हमारे अनिल भाई बाबा की तरफ से। और ये हैट्रिक हो सकती थी, काफी अच्छा फील्डिंग का ट्राई था ये जगह। देखिए ये कितनी अच्छी सोच है, वो खुद बैटिंग कर रहे हैं और ऑपोजिट टीम जब हैट्रिक पर है तभी ये प्राइज अनाउंसमेंट उन्होंने किया है, कि बहुत अच्छी सोच यहाँ पर अनिल भाई की मैं कहूँगा। सत्ताईस रन चार विकेट, छह गेंदों में केवल 61 रनों की जरूरत है। और ये देखिए यहाँ दादा भाई के विकेट का पतन होते हुए, देखना है क्या है यहाँ पहला ऑल आउट होते हुए देख पाएंगे हम मरुधर प्रीमियर लीग का। और ये अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग, डॉट गेम केवल टीम की शोएब अख्तर है। और ये देखिए शोएब अख्तर के गेंदों में ही एज लगते थे। और ये नो गेंद देखिए शोएब अख्तर की टैग में काफी सीरियस दे दिया। और ये अच्छा शॉट, राज का एक रन पूरा हो चुका है। बराबर है, बराबर है हार्दिक भाई, बाबा टीम सबका साथ सबका विकास, आरआर उसी में विश्वास किया है, सबको बैटिंग मिलेगी उसी तरह से खेले हैं। भाभी भाभी जी मैं तो कहता हूँ सबका साथ समाज का विकास। बराबर है, थोड़ा क्या इलेक्शन का माहौल हो चुका है। और इसी के साथ ये मैच समाप्त होते हुए, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है हेमंत जी।